ए हरिया, ये ससुरा संतोष बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा सरकार, मां कसम अपनी बंदूक का सारा लोहा उसकी छाती में उतार देंगे, नहीं तो हमरे नाम का कुत्ता पाल लेना। हरिया और चौधरी एक दीवार के पीछे छिपे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उसी दीवार की दूसरी तरफ एक आदमी संतोष अपने ही खून में लथपथ उन दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही तीनों में झड़प हुई थी। हरिया और चौधरी दोनों संतोष को जान से मार देना चाहते थे, पर संतोष बहुत ताकतवर और शरीर से बड़ा बलवान आदमी था, इसलिए वो अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ गया। और जब हरिया और चौधरी को लगा कि संतोष अकेले ही उन दोनों को जान से मार देगा, तब हरिया ने अपनी बंदूक से संतोष के जिस्म में सुराख कर दिया और अब संतोष अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तुम लोगों ने हमरे साथ जो किया है उसका हिसाब भगवान नहीं हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को भी। संतोष ने धमकी देते हुए दोनों से कहा और फिर रेंगता हुआ जंगल में जाने लगा। इधर हरिया और चौधरी ने भी हिम्मत बटोरी और खून के निशान का पीछा करते हुए वो भी जंगल में चल दिए। और फिर कुछ देर बाद जंगल से तीन गोली और चलने की आवाज़ आई, जिसकी आवाज़ भर से ही जंगल के पक्षियों ने कोहराम मचा दिया। भाभी देखिए, आप ये सही नहीं कर रही हैं, ये पाप है। देखिए रोहन हमें छोड़कर जा चुका है, अब उसे अपनी काली विद्याओं से जिंदा करना अनर्थ है भाभी। विराज, रोहन के पापा भी पिछले साल मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। एक रोहन ही उनकी आखिरी निशानी थी मेरे पास, अब उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इतना दुख भगवान ने मेरी किस्मत में क्यों लिखा है। ये कहते हुए कुसुम रोने लगी और उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी गोद में रखे उसके बेटे की लाश पर गिर रहे थे, जिसके माथे पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। बेटे को खोने के बाद कुसुम ने काली विद्या से उसे फिर से जिंदा करने की खूब कोशिश की। वो रोज अपने बेटे की लाश को शमशान लेकर आती और उसकी लाश पर तंत्र मंत्र करती, पर रोहन लाश का लाश ही रहा। और फिर अपने देवर के बहुत समझाने के बाद कुसुम ने रोहन को जिंदा करने की जिद छोड़ दी और अंतिम संस्कार करने के लिए रोहन की लाश को चिता पर लेटा दिया। पर जैसे ही कुसुम के देवर ने रोहन को मुखाग्नि देनी चाही कि अचानक रोहन के शरीर में हलचल होने लगी, जिसे देखकर दोनों देवर भाभी चौंक पड़े। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रोहन चिता से उठकर बैठ गया। रोहन को वापस से जिंदा देख कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने तुरंत ही रोहन को गले लगा लिया। पर जब से रोहन फिर से जिंदा हुआ था वो कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। वो आसपास की चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ उसके लिए नया नया हो, मानो वो किसी और ही दुनिया से आया था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ और अपने चाचा को भी बड़े गौर से देख रहा था। दोनों जब वापस रोहन को जिंदा लेकर गाँव आए तो उसे देखकर सभी गांव वाले दंग रह गए। उन्हें भी अब पक्का यकीन हो गया था कि कुसुम ने अपने काले जादू से अपने बेटे को जिंदा करके दिखा ही दिया, जिसका जीता जागता सबूत खुद रोहन था। रोहन की मां ने उसे उसके कमरे में भेज दिया और खुद अपने कमरे में जाकर सो गई। पर जब से रोहन शमशान घाट से वापस आया था उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा था। वो बस आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को बस अजीब तरीके से छू रहा था और अजीब सी हंसी हंस रहा था कि तभी उसने पीछे कुछ आवाज सुनी, जिसका पीछा कर वो अपने कमरे से बाहर आ गया। और जब उसने आवाज का पीछा किया तो वो आवाज रोहन की माँ के कमरे से आ रही थी। रोहन ने जब चुपके से देखा तो उसके होश उड़ गए। कुसुम, आखिर तुमने कर ही दिया, इन गांव वालों ने कभी तुम्हारी विद्या पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब सभी ने तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा देखा तो सबके चेहरे देखने लायक थे। वीरेन अभी बोल ही रहा था कि तभी कुसुम ने वीरेन के होठों पर अपने होठ रख दिए और गर्म सांसों से कहा, मेरा नहीं हमारा बेटा,
मेरा पति तो आज तक मुझे कभी खुश नहीं कर पाया। मुझे जो खुशी मिली वो तुमसे मिली है, और ये रोहन मेरे पति का नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है वीरेन। हाँ जानता हूँ, पर अच्छा ही हुआ कि तेरे पति को मारने से पहले ही हमारा बच्चा हो गया, वरना ये गांव वाले तो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। इतना कहकर वीरेन और कुसुम एक दूसरे से किसी सांप के जोड़े की तरह लिपटने लगे, और ये सब सुनकर रोहन का चेहरा भी सफेद पड़ गया। वो किसी मुर्दे की तरह वापस अपने कमरे में चला गया और चीजों को इधर उधर फेंकने लगा, और आईने के सामने खड़ा होकर जोर जोर से अजीब तरह से हंसने लगा। अगली सुबह रोहन के चेहरे पर पहले वाली हंसी लौट आई। पता चला कि पिछली रात गांव में किसी ने दो लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है, और इधर रोहन पूरे घर में हंसी खुशी घूम रहा था। और उसी दिन से वीरेन ने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत अक्सर खराब ही रहने लगी। वो रातों को सोते सोते डर के मारे चीखने लगा, कभी खून की उल्टियां करता तो कभी खुद ही अपने शरीर से मांस नोचकर खुद को लहूलुहान कर देता। कुसुम भी वीरेन का ये हाल देखकर दंग थी। उसने कई बार काले जादू का ताबीज वीरेन के हाथ पर बांधा, पर वीरेन को आराम नहीं मिला, और देखते ही देखते महज 10 दिन के भीतर वीरेन भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो बहुत ही गंदी मौत मरा था। एक बार फिर से कुसुम के सामने एक और लाश पड़ी थी, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, पर उसके अलावा गांव का एक भी इंसान दुख नहीं जता रहा था। सबको लगा कि कुसुम इस बार भी अपने देवर को अपने तंत्र मंत्र से जिंदा कर देगी, जिसके लिए उसने कोशिश भी की। वो वीरेन के मरते ही उसकी लाश को फिर से श्मशान लेकर गई और फिर से उसकी लाश पर सिंदूर लगाकर मंत्र पढ़ने लगी, जिसका शोर पूरे श्मशान में गूंज रहा था। रोहन भी कुसुम के पीछे खड़ा ये सब होता देख रहा था। तभी रोहन ने कुसुम का हाल देख उस पर तरस खाते हुए कहा, बस कर दे कुसुम, और कितनी हैवानियत दिखाएगी। रोहन के ये कहते ही कुसुम को सांप सूंघ गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाई। रोहन हाथ में चाकू लिए कुसुम को आंखें दिखा रहा था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ चुका था। रोहन, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम अपनी माँ को मारोगे? कुसुम के इतना कहते ही रोहन और गुस्से में आ गया और तेजी से कुसुम की ओर बढ़ने लगा। कुसुम भी समझ गई कि रोहन अपना आपा खो चुका है, इसलिए उसने तुरंत ही कुछ मंत्र बुदबुदाए और हवा में उठ खड़ी हुई। रोहन मेरे बेटे, होश में आओ, अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा बेटा नहीं कुसुम, हम तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका था। मेरा पति? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे बेटे के शरीर में हमारी आत्मा, तुम्हारे पति संतोष की आत्मा। इतनी जल्दी भूल गई क्या? हाँ? तुम्हारी अधूरी विद्या और गलत मंत्रों के कारण हमें रोहन का शरीर मिला है। पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भला कोई बाप अपने बेटे के मरने पर उसके शरीर में कैसे आ सकता है? लेकिन अब हमें उसकी लीला समझ में आ रही है। अगर हमें हमारे बेटे का शरीर नहीं मिला होता तो हम तो ये कभी जान ही नहीं पाते कि हम मरे नहीं थे, बल्कि हमें तो मारा गया था। और हमें मरवाने वाले हमारी पत्नी और हमारा भाई ही था, और इसमें तुम्हारा साथ हरिया और चौधरी ने भी दिया था। खैर, हरिया और चौधरी को तो हमने पहले ही मार दिया, और हमारे भाई को तो हमने उसके किए की ऐसी सजा दी कि बेचारा तड़प तड़प कर मरा। पर पता है कुसुम, हमने तुम्हें काहे जिंदा छोड़ा है? क्योंकि हम तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे। रोहन के अंदर उसके पिता संतोष की आत्मा कुसुम से गुस्से में कह रही थी, और वो भी कुसुम को मारने के लिए हवा में उड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। रोहन के अंदर संतोष की आत्मा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वीरेन खड़ा था। कुसुम ने वीरेन के अंदर किसी शैतान की आत्मा डाल दी ताकि कुसुम अपनी जान बचा सके।
अब एक तरफ 12 साल का रोहन खड़ा था जिसके अंदर उसके पिता संतोष की आत्मा थी, और उसके सामने 28 साल का वीरेन खड़ा था जिसके अंदर किसी शैतान की आत्मा थी, और वो शैतान रोहन पर टूट पड़ा। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और कुसुम ऊपर हवा में खड़ी ये सब होता देख रही थी। हालांकि दोनों में से कोई जिंदा नहीं था, दोनों बस लाशें थी, और उन लाशों में किसी और की आत्मा, जिसमें से एक कुसुम को मारना चाहता था और दूसरा उसे बचाना चाहता था। कुछ देर की लड़ाई में ही रोहन के अंदर संतोष की आत्मा कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि नाबालिग होने के कारण संतोष के लिए रोहन का शरीर कमजोर पड़ रहा था, और वही वीरेन पहले से ही एक जवान आदमी था और ऊपर से उसमें एक शैतान की आत्मा थी, जिस वजह से वीरेन रोहन पर हावी हो गया और रोहन को लहूलुहान कर वो उसका गला दबा रोहन को दोबारा से जान से मारने वाला था। वीरेन के अंदर का शैतान रोहन का गला इतनी जोर से दबा रहा था जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फटने को हो गई थी। वो अब कुछ ही देर का मेहमान बचा था, पर मरते वक्त वो कुसुम की ओर देख उससे मदद की गुहार लगा रहा था। रोहन को फिर से तड़पता देख कुसुम को दुख होने लगा। रोहन अब मरने ही वाला था कि तभी उसने हकलाते हुए कुसुम से बस इतना कहा, माँ, माँ मुझे बचा लो, मैं फिर से नहीं मरना चाहता। रोहन की बात सुनकर कुसुम का दिल पिघल गया। उसने तुरंत ही वीरेन को देखते हुए हाथ का इशारा किया जिससे वीरेन रोहन से दूर हवा में उड़ गया और उसका जिस्म भी अकड़ने लगा। फिर देखते ही देखते वीरेन का जिस्म किसी मांस के लोथड़े की तरह फट गया। कुसुम ने अपने काले जादू से रोहन की जान बचा ली थी, और अगले ही पल वो रोहन के पास आ गई और उसे गले लगा लिया। रोहन मेरी बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे कोई नहीं मारेगा। कुसुम रोहन को गले लगा ये कह ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर में तेज दर्द का एहसास होने लगा। रोहन के अंदर संतोष की आत्मा पूरे जी जान से कुसुम को गले लगा उसके जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ता जा रहा था। इससे पहले कि कुसुम मंत्र पढ़कर खुद को बचा पाती, रोहन ने किसी अजगर की तरह अपने शिकार को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था, और फिर रोहन ने कुसुम की आंखों में देखते हुए अपना आखिरी दांव खेला। कुसुम को भी रोहन की आंखों में संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख कुसुम ने दर्द में कहा, हो सके तो मुझे। तभी रोहन ने कुसुम की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उसकी पसलियां भी तोड़ दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। कुसुम के मरते ही उसका काला जादू भी खत्म हो गया था, जिससे रोहन एक बार फिर से लाश बन गया। संतोष की आत्मा रोहन का शरीर छोड़कर जा चुकी थी, और उस रात शमशान घाट में 3 लाशें मिली, कुसुम, रोहन और वीरेन की, जिसे देखकर गांव वालों को लगा कि किसी शैतान ने उन तीनों को मार डाला। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।